जी सर। सर आज यहाँ पे टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई है जिसमें DDMA के ऑफिशियल्स और अलग अलग डिपार्टमेंट से आए थे, जैसे सर आए हैं SDRF से आए हैं, हर डिपार्टमेंट से आए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से आए हैं, हम NDRF से आए हैं, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट से आए हैं। तो टेबल टॉप एक्सरसाइज होती है कि जैसे कोई भी सिचुएशन आती है, कोई डिजास्टर आता है, और एक्चुअल में जो हमारी कल मॉक एक्सरसाइज होनी है उससे पहले कि हमारा किस तरीके से क्या प्रोसीजर रहेगा मॉक एक्सरसाइज को करवाने के, और हमारा एक कोऑर्डिनेशन जो होता है वो अच्छा बने, हमारा जो टाइम गैप होता है वो कम हो, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे टेबल टॉप एक्सरसाइज हुई। कि टेबल साइज में ही हम डिसाइड करते हैं सर, जैसे हम हमारी जो मॉक एक्सरसाइज होनी है उसमें स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर कैसे रहेगा, कौन कौन डिपार्टमेंट उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और कौन कौन डिपार्टमेंट अपना कौन कौन सा उसका टास्क रहेगा, ताकि वो मॉक एक्सरसाइज जो है एक रियल सिचुएशन की तरह हो। और अगर रियल सिचुएशन में भी कोई डिजास्टर आता है तो मॉक एक्सरसाइज का हमारा मतलब मेन पर्पज़ यही रहता है कि जैसा हम मॉक एक्सरसाइज में उसको डिजास्टर को कम करते हैं, वहाँ पर रेस्क्यू करते हैं, जो विक्टिम फंस जाते हैं उनको इवैक्यूएट करते हैं, वही काम हम रियल सिचुएशन में भी जल्द से जल्द कर सकें और रेस्क्यू कर सकें, उनको इवैक्यूएट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जान बचा सकें, तो यही हमारा पर्पज़ रहता है। तो सर ये जो मॉक एक्सरसाइज है ये हमारे हेडक्वार्टर NDRF हेडक्वार्टर की तरफ से टाइम टू टाइम डिसाइड होती है, जैसे ही वहाँ से हमारी यूनिट के अंदर कोई मैसेज आता है कि मॉक एक्सरसाइज करवानी है, किस डिस्ट्रिक्ट में करवानी है, तो हमारा हेडक्वार्टर से कमांडेंट सर द्वारा हमको अलग अलग कंपनी में RRCs में या फिर बटालियन हेडक्वार्टर में ही बता दिया जाता है कि वहाँ पे मॉक एक्सरसाइज होनी है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है DDMA के थ्रू हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ती है कि ऐसे ऐसे मॉक एक्सरसाइज होनी है, आप कहाँ करवाना चाहते हो, तो वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री में करवा सकते हैं या कहीं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहाँ भी करवा सकते हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं।